नून लीग के कायद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि मजहे का केस भी है। आलमी इदारों ने खादम आला के खदमात का एतराफ किया। PTI हुकूमत इस बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। आशियाना स्कैंडल, फवाद हसन फवाद ने सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। मियां साहब आपने जो कहा मैं वही करता रहा। फवाद हसन फवाद का शहबाज शरीफ से मुकालमा, तमाम इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत होते थे, अहकाम भी शहबाज शरीफ ही जारी करते थे। फवाद हसन फवाद ने तहरीरी बयान लिख दिया। नैब जराए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कारकुन बरहम। नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज, ठोकर न्यास पे एक रोड को ब्लॉक कर दिया। भाटी चौक में मतवाले सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर शदीद नारेबाजी। मॉरल टाउन में लीगी कारकुनों का मुजाहिरा, शाहतरा में भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का मुजाहिरा। आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम पर गरीब लोगों से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबूत है कि मुल्क में कानून का बोलबाला है। डॉक्टर यास्मिन राशिद, आवाम को खुशखबरियां मिलने का मौसम शुरू हो गया। साबिक हुकूमत के दीगर करप्ट अनासिर भी जल्द जेल में होंगे। फयासुल हसन चौहान, PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारियां इमरान खान को महंगी पड़ेंगी। जिमनी इलेक्शन में चंद सीटें हासिल करने के लिए हमें घेरा डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाने वाले बुजरा कल रोते नजर आएंगे। वारिस साद रफीक का इंतकामी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासत की तबाही और मुल्क के लिए बदकिस्मती है। राना सनाउल्ला ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। परवेज मलिक बोले मुहिब वतन सियासतदान की गिरफ्तारी लम्हा फिक्रिया है। उस्मा बुखारी कहती है खादम आला की गिरफ्तारी 25 जुलाई के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। शहबाज शरीफ का नाब के दफ्तर में तिबी मुआयना, साबिक वजीर आला का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक किया गया। जरूरी सामान गाड़ी पर नैब ऑफिस पहुंच गया। सामान में गद्दा कपड़े और दीगर सामान मौजूद है। शहबाज शरीफ ने स्टाफ अफसर सामान नैब ऑफिस लेकर आए। माहिर कानून अमजद परवेज, शहबाज शरीफ के वकील मुकर्रर। रुकने असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। अमजद परवेज, नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ और हाफिज असदुल्ला केस पर समाप्त करेंगे। आशियाना स्कैंडल में आह चीमा, फवाद हसन फवाद, शाहिद शफीक, इम्तियाज, बिलाल कुदवाई पहले ही गिरफ्तार हैं। इसलाफ सईद और आरिफ बट जमानत पर रहा है। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर ठेका PLDC को दे दिया। PLDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास किया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने के लिए गैर कानूनी इकदाम किए। शहबाज शरीफ ने लतीफ एंड सन्स के साथ ठेका मंसूब किया। शहबाज शरीफ को इन इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम बर्की रोड करप्शन स्कैंडल, कासा कंपनी कैसे बनी और क्या कवानीन के खिलाफ वर्जियां की गईं। लाहौर न्यूज मदीद हकाइक सामने ले आया। बिड में हिस्सा लेने वाली कंपनी को निकालकर चाइनीज कंपनी को शामिल कर दिया गया। ज्वाइंट वेंचर के तौर पर 3 कंपनीज पर मुश्तमिल कासा कंपनी की बुनियाद रखी गई। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस, मुलजिम अमार गुलजार एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम ने 5,000 से जायद फाइलें फरोख्त की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, अदालत ने मुलजिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 15 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। बोगस कागजात ना के स्काम, मुआहिदों की अदम तकवील। पंजाब की 55 कंपनीज ब्लैकलिस्ट,
तालीम, सेहत, पुलिस, रोड, पानी और दीगर मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज में शामिल। ब्लैकलिस्ट कंपनी में एमएस लिंकर्स एशिया और एमएस गुल इंटरप्राइजेस भी शामिल। पेट्रोल पंप साइट्स के नीलामी का मामला, एलडीए का शहर के 22 पेट्रोल पंप सील करने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर पंप सील करने के लिए 11 टीमें तश्कील, डीजीएलडीए के आज ही तमाम पंप सील करने के अहकाम। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, करोल घाटी में 18 करोड़ रुपए मालियत के 43 एकड़ अरासी बाखुजा, सरकारी अरासी पर आलू, मकई और दीगर फसलें काश की गई थी, मजाहमत करने पर दो अफराद सेरे हिरासत। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज, इलामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू बाजार, धर्मपुरा, दरोगा वाला में मुतद तजावजात मिसमार, पथाड़े, शेड, साइन बोर्ड्स को गिराने का अमल जारी। दरोगावाला में ऑपरेशन के दौरान बिजली की तारें टूट गई, ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका, अमला बाल बाल बच गया। वजीर आला का तजावजात के खिलाफ मुहिम में गरीब और आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस, रेड़ी बान और मेहनत कशों को तंग न किया जाए, वजीर आला की हिदायत। हेलमेट और बैक मिरर ना लगाने वाले पुलिस एहलकारों और वारंट्स के चालान और महकमाना कार्रवाई का हुक्म, कानून शिकनी करने वाले चंद पुलिस एहलकारों को घर भिजवाकर दूसरों के लिए मिसाल बनाए, कानून पर अमल दरामद से सर पर चोट लगने की शरह में 50% कमी आई, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनने पर पाबंदी का हुक्म जल्द देंगे, अदालत के रिमार्क्स। आटे और दालों के बाद चिकन की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी, दुकानों पर ब्रायलर गोश्त 151 रुपए फी किलो हो गया, चिकन की कीमत डबल सेंचुरी से ऊपर जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का इजलास, चौधरी सरवर का कहना है कि मामला के हल के लिए जामियात को इख्तियार दिए जाएंगे। शमा जलाने वाले कौम के ममारों को सलाह, यौम असाज़ा पर यूईटी में आईई क्लब की जानिब से सजी दिलकश तकरीर, तलबा ने तकरीर, नज़्में, नक़्मे और टैबलो पेश करके असाज़ा की अस्मत बयान की। पीसीबी इंटर स्कूल विमेन इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बर्की की टीम ने मैदान हार लिया, लाहौर ग्रामर स्कूल की टीम 67 रन पर हिम्मत हार गई। कवानीन के खिलाफ वर्जी, क्रिकेटर अहमद शहजाद को सजा सुना दी गई, डोप टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद पर 4 माह की पाबंदी आए, अहमद शहजाद को कुछ अरसा कबल क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया था। और मारूफ भारतीय सहाफी कुलदीप नायर की आखिरी रसूमात बाकियात दरियाए राफी में बहा दी गई, कुलदीप नायर की पोती मिंद्रा नायर और एतजाज अहसन समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत।